हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रेजी ट्रॉनिक्स। इस वीडियो में हम स्विच के स्टेटमेंट का एग्जांपल देखेंगे। इसमें हम ये करेंगे कि जब मैं फर्स्ट टाइम बटन प्रेस करूंगा तब फर्स्ट एलईडी ऑन होगा, और जब मैं सेकंड टाइम बटन प्रेस करूंगा तब सेकंड एलईडी ऑन होगा, और इसी तरह से जब मैं बटन प्रेस करते जाऊँगा तब हर एक एलईडी ऑन होते जाएंगे। लेकिन जब मैं फिफ्थ टाइम बटन प्रेस करूंगा तब सभी एलईडी ऑफ हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए हम इस सर्किट को बनाना शुरू करते हैं। इस सर्किट को बनाने के लिए हमें चाहिए आर्डुइनो, ब्रेडबोर्ड, एलईडी, पुश बटन, रजिस्टर 150 ओम वैल्यू का और 10K ओम वैल्यू का, और इसके बाद हमें चाहिए जम्पर केबल्स। अब हम इस प्रोजेक्ट का सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मैंने आर्डुइनो के 5 वोल्ट की पिन से पुश बटन को कनेक्ट किया हूँ, और पुश बटन का दूसरा टर्मिनल मैंने आर्डुइनो की डिजिटल पिन 5 से कनेक्ट किया हूँ, और इसी टर्मिनल को मैंने आर्डुइनो की ग्राउंड पिन से कनेक्ट किया हूँ, और इसके बाद मैंने आर्डुइनो की पिन नंबर 6789 को रेजिस्टर के थ्रू एलईडी से कनेक्ट किया हूँ, और इन एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल को मैंने आर्डुइनो की ग्राउंड पिन से कनेक्ट किया हूँ। आई होप कि आप इस सर्किट डायग्राम को समझ गए होंगे। अब हम इस सर्किट को बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा सर्किट कनेक्शन पूरा हो चुका है। अब हमें आर्डुइनो में प्रोग्राम अपलोड करना है, और इसके लिए आपको सिर्फ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करना है और आपको उस लिंक से ये कोड मिल जाएगा। अब मैं आपको इस प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। प्रोग्राम में मैंने सबसे पहले दो इंटीजर डेटा टाइप वेरिएबल लिया हूँ जिसका नाम है काउंट और न्यू काउंट, और यहाँ पर मैंने काउंट को 0 से इनिशियलाइज किया हूँ, और इसके बाद मैंने वॉइड सेटअप के अंदर पिन नंबर 5 को इनपुट डिक्लेयर किया हूँ जिसमें मैं पुश बटन का इनपुट दूंगा, और इसके बाद मैंने पिन नंबर 6789 को आउटपुट डिक्लेयर किया हूँ जिससे मैं एलईडी में आउटपुट दूंगा। अब आते हैं वॉइड लूप के अंदर। वॉइड लूप के अंदर मैंने लिखा हूँ इफ डिजिटल रीड 5 इक्वल्स टू हाई, विच मीन्स कि अगर मैंने पुश बटन को प्रेस किया तब पिन नंबर 5 पे हाई इनपुट आएगा, और जब पिन नंबर 5 पे हाई इनपुट आएगा तब इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने जितने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगे। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर पहली बार बटन को प्रेस करता हूँ तब डिजिटल रीड 5 इक्वल्स टू हाई ये कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, जिसके वजह से न्यू काउंट की वैल्यू हो जाएंगी 0+1 विच इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि यहाँ पर हमने काउंट को 0 से इनिशियलाइज किए हैं। इसके बाद मैंने एक और इफ स्टेटमेंट लगाया हूँ, और इसमें मैंने लिखा हूँ न्यू काउंट नॉट इक्वल्स टू काउंट। यहाँ पर न्यू काउंट की वैल्यू है 1 और काउंट की वैल्यू है 0, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएंगी, और जब ये कंडीशन ट्रू होंगी तब स्विच के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और हमने स्विच के अंदर न्यू काउंट वेरिएबल को लिखे हैं, और अभी न्यू काउंट वेरिएबल की वैल्यू है 1, इसीलिए केस 1 एग्जीक्यूट होगा और पिन नंबर 6 से हाई आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब कि पिन नंबर 6 से जो एलईडी कनेक्ट है वो ऑन हो जाएगा, और इसके बाद हमने ब्रेक फंक्शन का यूज किए हैं जिससे कि पिन नंबर 7, 8 और 9 के एलईडी ऑफ रहेंगे। और यहाँ पर स्विच के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद में काउंट वेरिएबल में न्यू काउंट वेरिएबल की वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। इसका मतलब कि अभी तक काउंट की वैल्यू थी 0, लेकिन जैसे ही स्विच के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा वैसे ही काउंट की वैल्यू 1 हो जाएंगी। और अब यहाँ पर हमने जो कंडीशन लिखी है न्यू काउंट नॉट इक्वल्स टू काउंट, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, जिसके वजह से हमारा कंट्रोल इफ स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा। और अब मैं इसी तरह से जब सेकेंड टाइम बटन प्रेस करूंगा तब फिर से कंडीशन ट्रू होंगी, जिसके वजह से न्यू काउंट की वैल्यू हो जाएंगी 2, और इसके बाद जो सेकेंड वाला इफ स्टेटमेंट है ये भी ट्रू हो जाएगा, और स्विच स्टेटमेंट के अंदर न्यू काउंट की वैल्यू हो जाएंगी 2, और न्यू काउंट की वैल्यू 2 होने की वजह से पिन नंबर 7 से जो एलईडी कनेक्ट है वो ऑन हो जाएगा, और जब मैं तीसरी बार बटन प्रेस करूंगा तब पिन नंबर 8 से जो एलईडी कनेक्ट है वो ऑन हो जाएगा, और जब मैं चौथी बार बटन प्रेस करूंगा तब पिन नंबर 9 से जो एलईडी कनेक्ट है वो ऑन हो जाएगा, लेकिन जब मैं पांचवी बार बटन प्रेस करूंगा तब पिन नंबर 6, 7, 8 और 9 से जो एलईडी कनेक्ट है वो ऑफ हो जाएंगे, और न्यू काउंट वेरिएबल की वैल्यू 0 हो जाएंगी। और यहाँ पर मैंने प्रोग्राम में 100 मिलीसेकंड का डिले किया हूँ जिससे कि हम जब पुश बटन को प्रेस करेंगे तब 100 मिलीसेकंड के बाद में एलईडी ऑन होगा। सो गाइस, ये प्रोग्राम कुछ इस तरह से काम करता है। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा।
अब मैं इस प्रोग्राम को आर्डुइनो में अपलोड कर लूंगा। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख सकते हैं, मैं जब पहली बार बटन को प्रेस करता हूँ तब फर्स्ट एलईडी ऑन होता है, और जब मैं सेकेंड टाइम बटन को प्रेस करता हूँ तब सेकेंड वाला एलईडी ऑन होता है, और इसी तरह से एक एक करके एलईडी ऑन होते जाते हैं। लेकिन जब मैं पांचवी बार बटन को प्रेस करता हूँ तब सभी एलईडी ऑफ हो जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो इस न्यू काउंट वेरिएबल की वैल्यू को सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट भी करवा सकते हैं। इसके लिए मैं प्रोग्राम में serial.begin और serial.print फंक्शन का यूज करूंगा, और serial.print फंक्शन के अंदर मैं न्यू काउंट वेरिएबल लिखूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं जब बटन को प्रेस करता हूँ तब सीरियल मॉनिटर पर न्यू काउंट वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती है। सो गाइज, आई होप कि इस वीडियो में मैंने स्विच केस स्टेटमेंट का जो एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया हूँ वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप आर्डुइनो की प्रोग्रामिंग को बेसिक से सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।